इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक या दो नहीं कुल 9 लोगोस का इस्तेमाल हुआ है और आपका इस पर ध्यान तो जरूर गया होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको बताएंगे। ICC ने नवरस शब्द को शामिल किया है जो भारतीय थिएटर में 9 भावनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बता दें ICC वर्ल्ड कप 2023 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले 9 सिंबल्स के अलग अलग मतलब है। तो आइए जानते हैं कौन सा सिंबल क्या दर्शाता है। पहला है जॉय। ये लोगो उस खुशी का प्रतीक है जो फैंस को तब महसूस होती है जब उनकी पसंदीदा टीम या खिलाड़ी को जीत मिलती है या उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरा लोगो है पावर। दूसरा लोगो किसी खिलाड़ी की पावर यानी ताकत पर जोर देता है और टूर्नामेंट में हर बार जब कोई खिलाड़ी छक्का या बड़े शॉट लगाता है तो इस लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है रिस्पेक्ट। तीसरा लोगो सभी फैंस और खिलाड़ियों के लिए सामान सम्मान दर्शाने का प्रतीक है। चौथा है ब्रेव। चौथा लोगो बहादुरी का प्रतीक है। जब कोई खिलाड़ी किसी शारीरिक समस्या या चोटिल होने के बावजूद अपनी टीम के लिए खेलता है तो बहादुर भावना को दर्शाने के लिए इस लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है प्राइड। पांचवा लोगो गर्व की अनुभूति महसूस करने के लिए जो आमतौर पर अपने देश के राष्ट्रगान के दौरान महसूस होती है। छठा है ग्लोरी। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इमोशन इज विनिंग द वर्ल्ड कप टाइटल एंड रीचिंग अल्टीमेट ग्लोरी। सातवां है वंडर। सातवां लोगो वर्ल्ड कप में होने वाली अमेजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड चीजों को दर्शाता है। आठवां है पैशन। आठवां लोगो सभी खिलाड़ी और फैंस के जुनून को दर्शाने के लिए। नौवां लोगो है एंग्विश। नौवां और आखिरी लोगो दुख की भावना को दर्शाने के लिए शामिल किया गया है। इस प्रतीक से हारने वाली टीम के खिलाड़ी और फैंस की भावना दर्शाई जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।